मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब जनहित में दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जो कल से सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ साल से देश में जान माल की कीमत नहीं रह गई है? कितना आसान हो गया है किसी धार्मिक जुलूस पर पत्थर बोतलें फेंक देना, किसी को उसके घर के दरवाजे पर घेर लेना, किसी की गाड़ी जला देना, किसी के घर में आग लगाकर भाग जाना। मैं बहराइच की तस्वीरें दिखाऊंगी, पूरा घटनाक्रम भी आपको बताऊंगी और दोनों पक्षों को सुनाऊंगी भी। आप खुद तय कीजिएगा कि इनमें कौन सही है और कौन गलत। दंगाइयों का धर्म ढूंढे बिना जल्दी से उस सवाल पर आऊंगी कि ये जो भीड़ दंगा करके भाग जाती है, आखिर कुछ तो इलाज होगा इसका या सिस्टम पूरी तरह से लाचार है। बहराइच में कल शाम को दुर्गा विसर्जन यात्रा पर पथराव के बाद तनाव फैला था। हिंदू पक्ष का दावा है कि उसकी यात्रा पर बिना वजह कुछ घरों से बोतलें और पत्थर फेंके गए। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यात्रा में भड़काऊ गीत बजाए जा रहे थे, बजाने से मना किया गया तो फिर दंगा हुआ। यात्रा में एक लड़का राम गोपाल भी था, कुछ लोग उसे एक घर में खींच कर ले गए। बाद में उसका शव मिला, उसे गोलियां लगी थी, शरीर पर धारदार हथियारों के भी निशान थे। इसके बाद हिंसा भड़क गई, कुछ दुकानों और गाड़ियां कल ही फूंक दी गई थी। रात तक पुलिस ने जैसे तैसे हालात संभाले, लेकिन आज नफरत की चिंगारी फिर भड़क गई। उसके बाद हिंसा की तस्वीरें फिर से सामने आई। पुलिस ने हिंदू पक्ष का चक्का जाम खत्म करके उसे राम गोपाल के अंतिम संस्कार के लिए तो तैयार कर लिया, लेकिन तब तक बहराइच के कई हिस्सों में लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। उनके सामान घर से निकालकर आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों का एक शोरूम जला दिया गया, ट्रकों और ट्रैक्टरों को भी नहीं बख्शा गया। हिंसा का एक एक दृश्य इस वक्त आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हें देखिए, ऐसी कोई चीज नहीं दिखेगी जो गुस्से की आग में ना जली हो। रोज कमाने खाने वाले गरीब भी भीड़ से बच नहीं पाए, उनके घर दुकान में जो दिखा उसे पेट्रोल डालकर आग में झोंक दिया गया। अब एक खास तस्वीर, जब पुलिस वाले आगजनी के शिकार हुए एक घर के अंदर से बकरी के छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित निकालकर बाहर ला रहे थे, शहर का माहौल बिगड़ता देखकर घर के लोग सुबह ही भाग गए थे। ऐसे हादसों में कानून व्यवस्था की चरमराने और पुलिस के नाकारा होने के आरोप सबसे पहले लगते हैं, लेकिन बहराइच में पुलिस की ये मानवीय तस्वीर आरोपों से उलट थी। आप ऐसी किसी भी हिंसा का रिकॉर्ड देखें, इसमें पिस्ता वही गरीब है जो किसी लेने देने में नहीं होता। बहराइच में एबीपी संवाददाता विवेक राय ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए एक ऐसे ही व्यक्ति से जा मिले, लेकिन उसके पहले आप इस विवाद के दोनों पक्षों को सुनिए। हम लोग गाना बजा रहे थे, ठीक है, तो उन लोगों ने कहा गाना बंद करो, तो हम लोगों ने कहा गाना नहीं बंद करेंगे, तो उन लोगों ने पत्थर चला दिए। अब्दुल हमीद का लड़का रिंकू और सपलू इन्हीं लोग थे, और अब्दुल हमीद और फहीम और खुर्शीद। हाँ, मस्जिद से सभी लोगों के पास असलहे पहुंचाए गए हैं, वो हम लोगों ने सामने देखा है। जुलूस में कुछ गाने उल्टे सीधे बज रहे थे, जैसे भी बज रहे थे, उसके बाद उन्होंने मना किया, मना करने के बाद फिर धरना प्रदर्शन होने लगा। धरना प्रदर्शन होने के बाद लोग उनकी दीवार वगैरह तोड़े, दीवार गया घर में घुस गए, उन्होंने गोली चलाई। कौन कौन गोली मारने में कौन? अब्दुल हमीद थे, उनका लड़का एक है रिंकू। यहाँ आपको बता दें कि जिस तरह के आरोप दोनों पक्ष लगा रहे हैं उनकी पुष्टि होनी अभी बाकी है। ये कानून तय करेगा कि किसकी कितनी भूल थी, लेकिन हम यहाँ ये जरूर पूछेंगे, जिनकी कोई गलती नहीं थी उनके दर्द पर मरहम कौन रखेगा, कौन करेगा दबा? और किस जगह ढूंढो सरकार, आप ही लोग बताइए क्या, 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 क्या हुआ? ये मेरा घर है, यहाँ हम लोग पल्ला बंद कर लिए थे, चैनल बंद कर लिए थे कि सरकार कोई, अगर हम लोगों ने गलती नहीं किया तो हमारे पे कोई नहीं फूकेगा। यहाँ आए सबसे पहले ये दिवाली मेरी तोड़े है, हाँ जी, ये इसमें आग लगाया, उसके बाद एक गाड़ी मेरी उस जगह पे घर के भीतर खड़ी।
ये अभी एक हफ्ता नहीं हुआ है गाड़ी बंद के, इसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। सरकार मुझे दहेज में देना था बहन को, वो फूक दिए मेरी, जिससे मैं अपना धंधा करता था 2023 की गाड़ी वो पीछे खड़ी उसको वहाँ फूक दिए, और मेरे दोनों बच्चे सरकार उठा ले गए। कहाँ ले गए कुछ पता नहीं है। कौन ले गया? पुलिस ले गई? पुलिस नहीं ले गई, पुलिस तो सुरक्षित स्थान पर। हाँ पुलिस सुरक्षित, इसमें साइकिल खड़ी थी मेरी, ठेला खड़ा था मेरा, ताकत था मेरा, घर था, अनाज था, ड्रम था, सब तो फूक दिए सर, यहाँ सब कपड़ा लत्ता फूक दिए। ये मेरी 2023 मॉडल गाड़ी है, इनको फेंक दिए। वो जिसमें अभी परसों नर्स उठाया था गैस, वो सिलेंडर साथ में ले गए, आधी बोरी आलू उठा के ले गए, सब तो लेके गए सरकार, जो भी था यहाँ का सामान मेन मेन लेके चले गए। एक मेरा बड़ा भाई है, मैंने उसको पहले ही भगा दिया था कि आप यहाँ ना रहे, कोई माहौल कभी भी गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इतना नहीं मालूम था कि भैया उन लोग का बदला हम लोगों पे निकाला जाएगा। क्या कह रहे थे कि बदला बदले के, वो लोग क्या क्या? हाँ बस यही समझ रहे, वो मुसलमान है हम मुसलमान है, लेकिन ऐसा नहीं है भैया, हम दूसरे हिसाब से मुसलमान है, हम सबको मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हमारे लिए एक सामान है। मैं तो कल खड़े हुए मूर्ति पे भैया केला अपने दाम से खरीद के बाटेल भंडारा कर रहे थे, हर साल हम माता जी को भी मानते हैं, उनको भी। सांप्रदायिक हिंसा सियासत के लिए बूस्टर का काम करती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा, बहराइच में कौन गलत है और कौन सही, ये तय करना कानून का काम है, लेकिन सियासत के लिए सब्र रखना कठिन होता है। इसीलिए नेता पहले ही, जांच के पहले ही नतीजे निकालते दिखाई दे रहे हैं। टियर गैस रेडी रखिए। ऐसा नहीं है कि किसी बड़े अफसर ने खुद सड़क पर उतरकर दंगाइयों को पहले कंट्रोल ना किया हो, ये जरूर है ऐसा वर्षों बाद दिखा है। बहराइच के हालात कंट्रोल करने सीएम योगी के आदेश पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पहुंचे तो हाथ में पिस्टल लेकर खुद उस दिशा में चल पड़े जिस तरफ दंगाइयों की भीड़ थी। बहराइच हिंसा में 30 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, शहर में पीएसी लगी है, इंटरनेट कल से ही बंद है, लेकिन विपक्ष ने आज एक सुर में इल्जाम लगाया कि योगी सरकार के राज में यूपी में कानून और पुलिस नाम की कोई चीज नहीं रह गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, बहराइच में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे सीधे यूपी उपचुनाव से जोड़ दिया। आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी माहौल बनाने के लिए खुद ऐसी हिंसा करवा रही है। और बहराइच या और जगह जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो शासन है, प्रशासन है, और इनकी वोट की राजनीति है जिसकी वजह से ये जानबूझ करके करा रहे हैं। सियासी आरोपों का जवाब यूपी सरकार ने भी दिया। सीएम योगी ने यूपी पुलिस के एक वीडियो के साथ अपने पुराने बयान की क्लिप लगाकर सोशल मीडिया एक्स पर शेयर की। जो भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बहराइच की साजिश का जल्द पता लगाएंगे, ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे जिन लोगों ने इतने बड़े खड़ंत्र को रचा है, हम दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहराइच के हिंसा पर आज कुछ हिंदू मुस्लिम संगठन भी बयानबाजी में आ गया है। एक ने कहा, भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। दूसरे ने पूछा, यात्राओं के नाम पर मुस्लिमों को डराया जाता है। सियासत पहले भी होती रही है, आगे भी होती रहेगी, लेकिन अब हम मूल सवाल पर आते हैं। क्या पब्लिक की प्रॉपर्टी तोड़ने फोड़ने वालों से निपटने का देश में कोई मैकेनिज्म नहीं है? इच्छा शक्ति कहां चली जाती है? अमेरिकी कानून में किसी की $1,000 तक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माने और 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नुकसान $1,000 से ज्यादा का है तो जुर्माने के साथ 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया का कानून भी सख्त है, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान वहां पर है। यह कानून भारत में भी है। यूपी सरकार ने CAA विरोधी हिंसा के बाद रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट का बकायदा इस्तेमाल किया था। इसमें 57 लोगों के सार्वजनिक पोस्टर लगाए गए थे और उन्हें नुकसान की वसूली का नोटिस भी दिया गया था। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को यह पोस्टर हटाने का आदेश दे दिया था, उसके मुताबिक इसमें लोगों की निजता का हनन था। फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। ABP News आपको रखे आगे।